इस चैनल पे हमने डियो डैप का पहला ही वीडियो डाला था एंड वही वायरल हो गया था। उसके बाद हमने उसका पार्ट टू अपलोड किया एंड उस पर भी काफी क्रेजी रिस्पांस मिला। तो उसी को देखते हुए हम एक बार फिर से डियो डैप से शॉपिंग करते हैं। आज के वीडियो में कुछ यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना लिस्ट बना दिया है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमने पिक किया है वो है एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। आप देखो 258 रुपीज में हमें देखने के लिए मिल रहा है एंड भाई फोटो में यहाँ पे दिख रहा है कि दो टूथब्रश हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट हमने ये इलेक्ट्रिक जूसर मंगा रखा है जो कि भाई आइस वाइस डाल के यहाँ पे मस्त जूसेस बन जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट ये मुझे काफी यूनिक सा लगा, ये एक मशीन है, सिलाई मशीन जो कि हैंड से ही चलता है एंड ये वाला प्रोडक्ट तो काफी टाइम से मैं मंगाना चाहता था, ये एक ह्यूमिडिफायर है। बाकी यहाँ पे ये वाला लाइट भी काफी ज्यादा यूनिक है, ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ये भाई माहौल बना देगा पूरा। बाकी यहाँ पे ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिला, भाई ऐसे फूल वूल खिल गया है, हमने कहा ठीक है इसको हम खिला के देखते हैं। 169 रुपीज में हमें मिला। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट वो है ये 3-in-1 मल्टी फंक्शन एलईडी नाइट लैंप और ये भी मैंने रील में देखा था, काफी टाइम से मैं सोच रहा था इसको ऑर्डर करने का। तो यहाँ पे हमें 550 रुपीज में देखने के लिए मिल रहा है, वैसे अमेज़न पे काफी ज्यादा महंगा था। ये काफी क्यूट सा फैन है भाई, 94 रुपीज में था तो हमने कहा इसको भी मंगा के देखते हैं। एंड एक वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे हमने मंगा रखा है। 1 week later ओके, तो फाइनली काफी लंबे इंतजार और मोटा पैसा खर्च करने के बाद सारे प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर हो चुके हैं एंड सभी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे भाई। और एक प्रोडक्ट मेरे पास था डियो डैप से, हमने काफी पहले मंगाया था, उसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है वो है ये, तो आपको पता ही होगा इसको हमने ऑर्डर लगाया था, 94 रुपीज में हमें मिला। और ये बेसिकली एक काफी क्यूट सा फैन है, तो बॉक्स में हमें ये फैन देखने के लिए मिल जाता है और एक ये डोरी धागा बोल सकते हैं मिल जाता है, जो पहले नोकिया के फोन्स में आते थे ना, ऐसे लोग पहनते थे और नोकिया वाला फोन यहाँ पे ऐसे लटका के घूमते थे, तो वो वाला फील आ रहा है भाई एकदम। वैसे इसकी क्वालिटी 94 रुपीज के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। वैसे यहाँ पे जो है ना ये देख के लगता है कि एक बटन है, बट एक्चुअल में बटन तो पीछे दिया गया है जो कि एक लो है और उसके बाद हाई, और यहाँ पे कुछ ऐसे ये ऑपरेट करता है। ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरह के बॉक्स में आया है और यहाँ पे मुझे लगता है वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश हमने मंगाया था ना वही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है और यहाँ पे 2 बैटरीज था, तो इसको हमने ऑलरेडी पहले ऑन कर लिया था और यहाँ पे मैं इसको यूज भी कर रहा था। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पे बैटरीज लग जाती हैं और ये बैटरी हमने लगा के इसको टेस्ट किया था। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि आपको यहाँ पे 4 ब्रश हेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 आप देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रिक ब्रश मिल जाएगा, 1 होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे 2 बैटरीज देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये भाई वाइब्रेट करता है, आप देखो अगर तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाइब्रेट करता है और पूरा दांत यहाँ पे साफ कर देगा भाई एक ही दिन में। वैसे 250 रुपए के हिसाब से ये काफी ज्यादा सही लगा, 2 ब्रश मिल रहा है और क्या चाहिए, नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक ब्रश 1000 रुपए में मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ये, और भाई ये देख के तो भाई लग रहा है पूरा स्टूडियो का माहौल ही बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे फुल लाइट वाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे चार्जिंग केबल हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल है, और यहाँ पे ये वाला लाइट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो लाइट है ना ये यहाँ पे बॉटल के ऊपर प्लेस हो जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे लाइटें भी चेंज होती रहती हैं। आप यहाँ पे देखो, एक बार मैं प्रेस करूँगा ना तो वार्म लाइट मिल जाता है, 2 बार प्रेस करता हूँ वाइट लाइट, और 3री बार अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वार्म और वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, अगर आप साइड में कहीं पर भी लगा दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। बाकी यहाँ पे टाइप सी से ये चार्ज हो जाता है एंड इवन यहाँ पे भाई 430 रुपये इस चीज़ का मुझे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमने मंगाया था वो है ये वैक्यूम क्लीनर एंड भाई यहाँ पे ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे पहले इसको सेटअप वेटअप करना पड़ेगा, तो एक मिनट सब कुछ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कुछ इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, बाकी इस यूज़र मैनुअल से यहाँ पे हम सीख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे यहाँ पे ये काम करेगा एंड यहाँ पे भाई 2 चीज़ें हैं, सबसे पहला एक वैक्यूम क्लीनर है और एक ब्लोअर है। तो यहाँ पे अगर आपको ब्लोअर यूज़ करना होगा तो इसको और इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना है, जैसे आप कनेक्ट कर दोगे ना उसके बाद ये ब्लोअर का काम करेगा। देखो
मस्त इससे भाई धूल वूल गायब कर सकते हो आप। एक तो उड़ाने का काम करेगा और एक खींचने का काम करेगा। तो सबसे पहला तो ये वाला जो पार्ट है कुछ इस तरह से इससे अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको ये वाला इसके अंदर ऐसे लगा देना है और ये जो ब्रश है ये इसके आगे ऐसे कुछ प्लेस कर देना है। तो ये अब हमारा वैक्यूम जो क्लीनर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है एंड यहाँ पे आसपास जो कुछ भी होगा ना सब कुछ ये खींच के यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा। तो वैसे ये प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा सही लगा, 219 रुपये में हमें मिला एंड ये भाई 2-in-1 है, मतलब ब्लोअर और वैक्यूम क्लीनर दोनों का काम ये कर देता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे वर्थ इट लगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है एक डेकोरेटिव जो हमने मंगाया था ना, वो फ्लावर वाला बताया था कि भाई इसको टेस्ट करने का मन कर रहा है। तो ये आ चुका है एंड इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है भाई, यहाँ पे आप देखो कितना सॉलिड पैकेजिंग के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। ओहो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, गोल्डन कलर में है एंड यहाँ पे एक चार्जिंग केबल है शायद, हाँ तो चार्ज हो जाएगा इससे। और इसको निकालते हैं, ये क्या, ये तो पहले ही खुल गया, ये तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू ये ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो गाना वाना चल रहा है ना वो तो इंग्लिश में चल रहा है भाई, कोई मजा नहीं आ रहा है कुछ उसका। अगर इसमें ब्लूटूथ स्पीकर होता ना तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें एक ही गाना चलता है वो भी इंग्लिश में चलता है भाई, मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, आप देख सकते हो, ये है सोलर सेंसर लाइट और ये मैंने डियोडैप से काफी पहले ही मंगा रखा था। अभी के समय में वेबसाइट पे ये आउट ऑफ स्टॉक या फिर आप देखो तो 404 का एरर दिखा रहा है इस प्रोडक्ट पे। तो अगर होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है, कहीं ऐसे जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे क्या है कि लोग आसपास से गुजरते हैं एंड वहाँ पे भाई रात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे सेंस करता है, जैसे कोई भी मूवमेंट ये होता है ना तो वो तुरंत डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये लाइटें चालू हो जाती हैं एंड ये सोलर से चार्ज होता है। तो एज सच कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने के लिए भी नहीं मिलता है और बाकी यहाँ से ये ऑन भी होता है। तो अभी के समय में क्या है, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, जब हमने मंगाया था तो मस्त हम यूज कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे बैटरी अभी डेड हो चुकी है। तो इसको धूप में रखना पड़ेगा तब जाके चार्ज होगा। बस यहाँ पे क्या है कि ये दोनों लाइट काफी ज्यादा ब्राइट है एंड भाई यहाँ पे एक सोलर पैनल है जिसके थ्रू ये चार्ज हो जाता है। बाकी ये जैसे यहाँ से ऐसे कुछ भी डिटेक्ट होता है ना तुरंत के तुरंत ये भाई लाइट जल जाती है और 20 सेकंड तक जलता रहता है, तो कुछ ऐसा सीन है। बाकी ये जो प्रोडक्ट है मैंने उस समय शायद 200 रुपये से लेके 250 रुपये के अंदर मंगाया था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने का था ये। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे शोकेस करने वाला हूँ आपको वो है ये। एंड भाई इसको खोलते वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं यूज़ तो कर लिया हूँ वैसे ही, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे एक ये आइस क्रशिंग जूसर मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे बस बॉक्स में यही कंपोनेंट मिलता है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल हमें देखने के लिए मिल जाता है जिससे हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करना सीख सकते हैं। तो ऑलरेडी वो तो हम सीख गए हैं एंड यहाँ पे एक हमें टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाता है और ये एक ढक्कन जो एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, इसका क्या मतलब है बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक। तो जब ये अलग हो जाएगी तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला चीज़ यहाँ से लग जाएगा, ठीक। इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लगा सकते हैं और ये लगा सकते हैं, तो ये अब मस्त आपका एक बॉटल बन गया, ठीक है। अब इसको मस्त यहाँ पर पानी वानी पीने के काम ये आ जाएगा, तो कुछ ऐसा है। बाकी यहाँ पे जब आप जूस बना लोगे तो यहाँ पे आप रख भी सकते हो एंड इसी के साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया चीज़ ये लगा ना कि जब तक ये मैंने इसको निकाल के रखा है तब तक अगर मैं इसको चालू भी कर दूँगा तो ये चलेगा नहीं। तो ये सेफ्टी फीचर हमें देखने के लिए मिल जाती है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। वैसे इससे पहले मैंने जूस बना रखा था मैंगो जूस, तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई जूस इसके अंदर चला गया था कि यार मतलब इतना ज़्यादा महंगा है, 735 रुपये का हमने इसे ख़रीदा है, उसके बाद भी मतलब उतना सही क्वालिटी ये नहीं देता है। बाकी यहाँ पे क्या है कि कुछ लाइटें अंदर की ख़राब भी हो चुकी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से कुछ लाइटें जल ही नहीं रही हैं, इवन यहाँ पे ये जो लाइट है ये ब्लिंक कर रहा है। तो ऑलरेडी मैं इसे यूज़ कर रहा था
कुछ दिनों से उसके बाद कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये चीज जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे हम सारी चीजें इसके अंदर डाल के यहाँ पे हम मस्त जूस वूस बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है कि ये टाइप सी से चार्ज हो जाता है और यहाँ पे जो भी चीजों का जूस हमें बनाना होगा मस्त इसके अंदर सारा मटेरियल हमको डाल देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हार्ड मटेरियल है वो आपको नहीं डालना है, वरना ये उसको क्रश नहीं कर पाएगा। सिर्फ आइस को आप डाल सकते हो हार्ड में, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई नट्स यहाँ पे डाल देते हो तो वो उसको क्रश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यूजर मैनुअल पढ़ा तो वहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन थी। बाकी यहाँ पे जूस तो आप मस्त इससे बना सकते हो। वैसे 735 रुपए का है ये, उस हिसाब से मुझे वर्थ इट तो नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर से बताना। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ये। एंड भाई ये एक सिलाई मशीन है एंड पोर्टेबल सिलाई मशीन है, हाथ से ही सब कुछ सिल जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि भाई बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों का नाम भी नहीं पता है मुझे, आप खुद देख सकते हो। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे ये है हमारा सिलाई मशीन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। आप देखो ना कुछ इस तरह का है। बाकी यहाँ पे आप देखो काफ़ी ज़्यादा हमने सिल सिल के सारी चीज़ें देख लिया भाई कैसे ये काम करता है। अब हम आपको बताते हैं। देखिए इसको मत फेंकना आप, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 AA बैटरीज आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 AA बैटरी लगा ही लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाते हैं। तो भाई कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 4 AA बैटरीज आपको यहाँ पे लगा देनी है एंड इस वाली चीज़ को यहाँ पे ऐसे लॉक कर देना है। जैसे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपको ऑन और ऑफ का स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ से क्या है कि सबसे पहले आप अगर कपड़ा वपड़ा इसके अंदर फंसाना होगा ना, तो इसके थ्रू यहाँ पे आप कुछ इस तरह से ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये जो निडल है ना इसको ऊपर करने के लिए, अभी आप देखो नीचे है ना, तो यहाँ पे अगर मुझे ऊपर करना होगा तो अभी देखो यहाँ पे भाई ऊपर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भाई इस वाले कपड़े को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देना है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सिलाई करके। तो इसको देखने के बाद मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है भाई, जिसका फट जाता है ना उसका सिलने का काम आप ले लो भाई। 200 रुपये में इसको मंगा सकते हो एंड भाई मस्त आप सिलाई विलाई कर सकते हो। कपड़े की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे ही पैसे होंगे भाई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं एंड वो है ये प्रोजेक्शन ह्यूमिडिफायर। आप देखो ना यहाँ पे भाई, पहले इसको ओपन करते हैं। तो आप देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये ह्यूमिडिफायर हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पानी डाला जाता है एंड कुछ फ्रेगनेंस डाला जाता है जो कि यहाँ पे ये रूम में ऐसे निकलता है, तो आपके रूम में मॉइस्चर मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे ये चार्जिंग केबल मिलेगा, मतलब चार्जिंग केबल नहीं है क्योंकि इसको डायरेक्टली हमें कनेक्ट करके ही रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ये फिल्म मिल जाते हैं जो कि आप इसको लगाओगे इसके अंदर। आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है एंड इसको भी हम लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ऊपर दिखेगा, जब भी यहाँ पे लाइट कमरे में नहीं होगा तो जब ये जलेगा तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। इवन यहाँ पे ये जो साइड फ्रेम है ये भी आप इस हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 फ्रेम और ये मिल जाता है आपको। बाकी इनको हम साइड में रखते हैं, इसका हम एक्चुअल यूज़ के हिसाब को मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है ना कि आपको इसके अंदर पानी डाल देना है। तो ये गया पानी इसके अंदर, ओके। अब ये चीज़ यहाँ पे हमें ऐसे कुछ प्लेस कर देना होता है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप अपने पावर बैंक या फिर आप यहाँ पे किसी भी अडाप्टर से इसको पावर दे सकते हो। तो हम इसको पावर बैंक के थ्रू यहाँ पे पावर देते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे ये कनेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके अंदर बैटरी नहीं है तो इसको हमें पावर बैंक या फिर अडाप्टर से पावर देना पड़ेगा। तो इसको हमको कुछ इस तरह से ऑन कर लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये देखो जी है इसका मज़ा, देख रहे हो ना भाई, पूरा मस्त ऐसे मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा कमरे में। इवन यहाँ पे अगर आपको लाइट जलाना होगा तो इसको बटन को आपको होल्ड करना होगा तो ये सारी लाइटें यहाँ पे जल जाएंगी एंड पूरा ऊपर यहाँ पे भाई जब कमरे में अंधेरा होगा ना तो मस्त एक नंबर पूरा माहौल बन जाता है, चांद सितारे बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा सीन हमें देखने के लिए मिल जाता है। इवन यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस आते हैं जो इसके अंदर आप डाल दोगे तो कमरे में मस्त एक पॉजिटिव वाइब आती रहेगी एंड मस्त एकदम खुशबूदार कमरा हो जाएगा भाई। वैसे ये हमें डियो टैप पे 197 रुपीज़
चीज में मिला था, तो काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है, आप भी इसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम यहाँ पे अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है भाई ये LED वायरलेस चार्जिंग स्पीकर। एंड ये भाई काफी ज्यादा वायरल है, इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखा होगा ऐसा, तो इसमें भाई काफी सही दिखता है। वैसे इसको भी हमने मंगा रखा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल जाती हैं देखिए, सबसे पहले तो ये मिल जाएगा, उसके बाद ये छोटा सा केबल मिल जाता है, आई डोंट नो व्हाई, इतने छोटे से तो काम नहीं होने वाला, इसको हम अब रख ही देते हैं साइड में। बाकी यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कैसे ये ऑपरेट होगा, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पावर बटन है, एंड इवन यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस और सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली इसके अंदर एक स्पीकर भी दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे गाना वाना भी सुन सकते हो ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट करके। इवन यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो मस्त आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख के वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में टाइप सी आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन आप रखोगे तब जाके चार्ज होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्जिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा जल्दी तो भाई आपके चार्जर से ही चार्ज हो जाएगा। तो मस्त ये 100 पीस है। अब इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह का ये है, एंड भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, आप देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। वैसे अभी तो लाइट रूम में काफ़ी ज़्यादा जल रही है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा लाइट तो नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे मैं बीरोल लगा दूंगा, आप देखना काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। वैसे इसका जो कलर है ना, ये मतलब ये जो इफ़ेक्ट है ये भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एंड कुछ ऐसा ही है। बाकी यहाँ पे पीछे के साइड में आपको काफ़ी सारे इनपुट और आउटपुट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मस्त आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इवन मेमोरी कार्ड लगा के डायरेक्टली आप इसमें गाने वाने प्ले कर सकते हो। तो बस यही है, 550 रुपये में ये हमें मिला था डियो डैप पे, एंड ये प्रोडक्ट भी मुझे सही लगा। वैसे स्पीकर की क्वालिटी उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो उसमें भाई हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे 550 रुपये के हिसाब से तो क्वालिटी तो बढ़िया देना चाहिए, क्योंकि लाइट के लिए कोई इतना पैसा क्यों देगा। वैसे आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो भी प्रोडक्ट हमने आपको बताया ना उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको डील्स एंड डिस्काउंट्स के बारे में जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेक्निको डील्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ, बाय।